Very good evening guys, welcome to the Rishim IS Academy's YouTube channel. So finally guys, we have this article from Indian Express today and it's by C. Rajamohan. So article aaya hai New Delhi, New Tel Aviv. So aapko pata chali gaya hoga Israel aur Palestine, Gaza Strip ke beech mein Hamas jo hamara group hai jo Gaza Strip pe control karta hai. Ladai jo hai wo छिड़ चुकी है, हो चुकी है. इसराइल ने फुल वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और इंडिया की तरफ से बहुत एक क्लियर कट, मैं कहूंगा बोल्ड एफर्मेटिव स्टेटमेंट आ गई है कि हम इसराइल के साथ हैं इस मुश्किल तरी वक्त में. हमारा जो पॉलिसी का स्टांस है टेररिज्म को लेके, पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं कि बहुत डे वन से क्लियर है कि हम कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम और खास करके मैं कहूंगा कॉवर्डली एक्ट हम कभी भी टॉलरेट नहीं करते. फिर वो ऐसा नहीं है कि मतलब आज अगर हम अरब्स के साथ नहीं हैं, अगर हम इसराइल का साथ दे रहे हैं, पर ये एक बिल्कुल क्लियर कट मैं कहूंगा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा डेक्लरेशन है, या यूं कहूं राइज है, जहां पे हम दुनिया को क्लियर कर देना चाहते हैं कि टेररिज्म इन ऑल एंड इन एनी ऑफ द फॉर्म्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी. तो पंचलाइन के अंदर जो बात हुई है, पीएम मोदीज पॉलिटिकल ऑनरशिप ऑफ रिलेशनशिप विद इज़राइल इज गाइडेड बाय चेंज्ड जियोपॉलिटिक्स, जो कि बदल रहा है वहां पे, और बदलते इंडिया के इंटरेस्ट भी इस चीज को बदल रहे हैं. वरना यही कंट्री है इज़राइल जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे भी नहीं एक जमाने में, अगर मैं कहूँ कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ. पर आज आप देखिए कि हम क्लियर कट जो है इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के माहौल में इंडिया के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं तो हम उनके साथ हैं. तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डायनेमिक्स को, किस कदर क्या हो रहा है वहां पे. तो लिखते हैं, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट द हमास अटैक ऑन इसराइल ओवर द वीकेंड क्विकली एक्वायर्ड अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायमेंशन इन इंडिया. Over the last few days, this newspaper has reported on the Congress party's difficulty reacting to the terror attack on Israel. Congress ke cases mein shuru se jo stance unka raha hai wo Palestinians ke hit mein zyada raha hai. Agar hum Cold War ke dauran bhi baat kare, jab central level ke upar Congress government saab ki zyada thi, union level ki baat kare, to unka shuru se jo ek main kahunga ki Arab नॉर्मलाइजेशन की जो पॉलिसी रही है, और खास करके अगर हम 47 से लेके और 91 के बीच में बात करें, तो अरब नॉर्मलाइजेशन की कोशिशें जो रही हैं, थैंक्स टू दी मैं कहूंगा डोमेस्टिक जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी जो कंपल्शन तो नहीं कहूंगा, उसकी जो कंसिडरेशंस हैं उनकी बदौलत ये हमेशा ऐसा रहा कि उन्होंने कभी भी इसराइल को फुल फ्लेट जो है ना तो डिप्लोमेटिक अडॉप्ट किया और ना ही कोई एज सच ओपन सपोर्ट में कभी आए. तो आगे लिखा, और आज की डेट में भी उनके लिए यही प्रॉब्लम है कि उस चीज को पूरी तरह से अपने पॉलिसी स्टांस को वो बदल नहीं पा रहे, ये यूं कह लीजिए कि उससे हट नहीं पा रहे. सो इफ द मेन ओपोजिशन पार्टी हैज फ्लिप्ड एंड फ्लॉप्ड, द रूलिंग बीजेपी हैज बीन अनएम्बिगियस इन कंडेमनिंग द अटैक एंड एक्सप्रेसिंग सॉलिडैरिटी विद इसराइल. So that lent a new wrinkle to the political sparring between the two parties on the commitment to fight terror. लोगों ने फिर आपको पता ही साइड लेना शुरू कर देते हैं. तो अब लोग इस चीज को एजेंडा टाइप बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो है अरब्स के साथ है इस घड़ी में, तो वो इसको इस वे में नहीं देख रहे, वो इस वे में देख रहे हैं कि अगर आप हमास को कंडेम नहीं कर रहे तो फिर आप टेरर को सपोर्ट कर रहे हो. और आज की जो हमारी रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी है, अगर उन्होंने इसराइल के केसेस में उनको सपोर्ट किया, हमास के एक्शन को कंडेम किया, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक नो डाउट बहुत कॉवर्डली एक्ट है और एक बहुत हीनियस क्राइम है. और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया के लिए वंस एंड फॉर ऑल देखिए मैसेज पूरी दुनिया में हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि टेररिज्म तो किसी भी कॉस्ट के ऊपर और किसी भी वे में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. So the political dynamic between India and the Middle East cuts deeper. Geopolitics of the Middle East in the 20th century inevitably intersected with the international relations of South Asia
एंड एक्वायर्ड अ मोर इंटेंसिव कैरेक्टर आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री हमारे बिल्कुल पड़ोस में बना पाकिस्तान, तो ऐसे में मिडल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है पार्टीशन के बाद तो और भी ज्यादा इंटेंसिव हो गई। सो हाउ एवर द नेचर ऑफ दैट इंटरेक्शन हैज बीन चेंजिंग इन द 21st सेंचुरी एज द रीजन इवॉल्व इन रीसेंट डेकेड्स, सो हैज इंडियन थिंकिंग। बट द चेंजेस इन इंडियन पॉलिसी ऑन द मिडल ईस्ट हैव बीन मोर कॉन्सिक्वेंशियल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। इसमें कोई दराय नहीं कि एक एडेड विगर या मैं कहूँ एक रीन्यूड थ्रस्ट देखने को जरूर मिला है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, या अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, या फिर अगर हम लैटिन अमेरिकन में देखें। उन्होंने 5 ब्रॉड चेंजेस कहे हैं जो पहले नहीं थे, और आज की डेट में अगर हम कहें नरेंद्र मोदी के टेन्योर के दौरान चीजें हमारी बहुत ज्यादा ओपन हुई। पहला ये, द फर्स्ट वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन टू ब्रिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल आउट ऑफ द क्लोजेट एंड सिग्नल फुल पॉलिटिकल ऑनरशिप। सो टू बी श्योर इट वॉज कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु एंडेड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम इजराइल। हालांकि शुरुआत उनके राज में ऐसा हुई थी, वो अलग बात है कि बाद में चल के आज आप इसका जो पूरा क्रेडिट है वो आप 1990s के बाद आने वाली सरकारों को देते हो, बट ये राजीव जी का विजन था। खास करके अगर हम चाइना के केसेस में भी अगर हम बात करें कि हमारे पुराने जमाने में जब हम इंदिरा गांधी के दौर की बात करें, जब हमारा टसल हुआ नेहरू जी के टाइम पे 1962 में, उसके बाद में रिलेशंस हमारे बहुत स्टैंड स्टिल पे रहे। ये राजीव जी ही थे जिन्होंने इस बात को शुरू करवाया कि हम बाकी इश्यूज के ऊपर बाद में भी बात कर सकते हैं, और अगर हम ठीक है लैंड बाउंड्री की वजह से अगर एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में है, तो कम से कम अगर हम बाकी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करें, और लैंड बाउंड्री वर्किंग एग्रीमेंट उन्होंने बनाए, ज्वाइंट वर्किंग सिनेरियोज उस समय ओपन हुए। इसराइल के केसेस में भी उन्होंने कहा, हमारे राजा मोहन बता रहे हैं कि नो डाउट प्राइम मिनिस्टर का ये डिसीजन है कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो पूरा उन्होंने जो है एक्वायर किया पॉलिटिकल ऑनरशिप के साथ, बट ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर राजीव जी थे जिन्होंने इस पॉलिसी को एंड किया कि अब इसराइल के साथ दूरी जो है वो नहीं बनानी है। पीवी नरसिम्हा राव जो जैसे मैंने कहा कि 90s के बाद आए, फॉलोड थ्रू बाय एस्टेब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। अटल बिहारी वाजपेयी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन एंड एंडेड दिल्लीज रिलक्टेंस टू होस्ट द इजरायली प्राइम मिनिस्टर इवन। बट द यूपीए गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट एंड कांग्रेसेस कंफ्यूजन ओवर द मिडल ईस्ट वेंट बैक टू पायस पोस्चरिंग एंड ड्रॉइंग द वेल ओवर डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज। 10 साल जो बीच में हमारे यूपीए के टेन्योर के रहे, और जैसे मैंने कहा कि उनकी जो पास्ट की पॉलिसीज हैं एक बार फिर से वहां जाना पड़ा, या यूं कह लीजिए कि जिनकी सपोर्ट के साथ सरकार में बने थे उनका प्रेशर इस कदर था, कांग्रेस के अपने अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन्स हैं मिडल ईस्ट को लेके, तो उन्हें एक बार फिर से हमारी जो डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज बढ़ रही थी नरसिम्हा राव के राज में, राजीव जी के राज में, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में, तो वो बंद हो गई। एंड मोदी फाइनली जब आए 2014 में, तो उन्होंने जो दिल्ली की ट्रेडिशनल इनहिबिशंस थी उनको उन्होंने खत्म किया, डिस्कार्ड किया, ऑन एक्नॉलेजिंग द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, एंड ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल एज वेल। अ बिग पॉलिसी चेंज जो उन्होंने कहा ना, 5 चीजें, तो पहला बदलाव आप देखिए ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ। दूसरा देखिए, द एनडीए गवर्नमेंट हैज सॉट टू अलाइन इंडियाज पोजिशन क्लोजर टू ग्राउंड रियालिटीज, जबकि वाइल कांग्रेस कंटिन्यूज टू बिलीव दैट कि दिल्ली मस्ट बियर द क्रॉस ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, द एनडीए गवर्नमेंट हैज कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट सेवरल अरब कंट्रीज हैव बिगन टू मेक देयर पीस विद इजराइल विदाउट प्री कंडीशंस। अब्राहम अकॉर्ड्स इस बात का प्रमाण है। इवन 20th सेंचुरी के अंदर ही 2 अरब पावर्स इजिप्ट और जॉर्डन ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया था,
फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के राज में अब्राहम एकॉर्ड्स 2.0 हुए, जिसके तहत आपके और जो अरब पावर्स हैं यूएई जैसी, उन्होंने भी इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अपनाई। तो ये एनडीए गवर्नमेंट है जिन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि अगर अरब कंट्रीज वहां की जो हैं इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रही हैं, फिर हम क्यों नहीं। द वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ हमास एंड अदर फोर्सेस थ्रेटन नॉट ओनली इसराइल बट ऑल्सो मॉडरेट अरब स्टेट्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो और चाहे कहीं पे भी हो, वो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक ऐसा पॉलिसी स्टांस है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा पक्के हैं। तो यही कुछ शेयर्ड कंसर्न्स हैं। हैव ओपन स्पेस फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब स्टेट्स। सो इट्स अ पिटी दैट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स प्रिवेंटेड इजराइल फ्रॉम टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज टू बिल्ड अ न्यू मिडल ईस्ट इन पार्टनरशिप विद अरब्स। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं कि इसराइल के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की कुछ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स हैं या कुछ उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बदौलत वो पूरा एडवांटेज गेन कर नहीं पाए। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को डिटेस्ट जरूर करूंगा कि अब्राहम एकॉर्ड्स 2.0 को अभी कोई बहुत समय नहीं हुआ कि हम इस बात को कंक्लूड कर दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है जो ली गई है वहां पे वो अरब्स को राइट ऑफ कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ये कहना कि एक नया मिडल ईस्ट जो अरब्स के साथ एक पीसफुल सिक्योरिटी कलेबोरेशन में बन सकता था वो इसराइल ने मौका गवा दिया या कुछ ऐसा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आगे लिखा है खैर उन्होंने, द डिविजन्स विद इन पेलेस्तीन टू हैव बिकम डीप बिटवीन द पेलेस्तीन अथॉरिटी इन रामल्ला एंड द हमास इन गाजा। दो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, आप जानते ही हैं, पेलेस्तीन जो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मर्ज करके बना। अब पेलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पेलेस्तीन अथॉरिटी, अब उसका कंट्रोल है और दूसरी तरफ हमास का कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप के अंदर। सो कॉन्ट्रेरी टू वाइड स्प्रेड परसेप्शन द एनडीए गवर्नमेंट इज नॉट अबैंडनिंग पेलेस्टीन, जैसे सोचा गया था, मतलब जो लोग ज्यादा जो बिलीव करते थे कि वो पूरी तरह से जो एक एंटी मुस्लिम रियटोरिक जो वो अडॉप्ट करते हैं तो वो शायद फिलिस्तीन को अबैंडन कर देंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। एनडीए मेंटेन्स सॉलिड टाइज विद द फिलिस्तीन अथॉरिटी एंड मोदी ट्रेवल्ड टू रमल्ला इन 2018। एनडीए कंटिन्यूज टू सपोर्ट अ टू स्टेट सॉल्यूशन टू द क्राइसिस इन इजराइल फिलिस्तीन। The Modi government is unwilling now to fudge the question of terror as the Congress Working Committee did on Monday or hide behind root causes to stay silent on the Hamas attack. हाँ, ऐसा एनडीए सरकार नहीं करती। और जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप एक सिर्फ अपने कुछ हिस्टोरिकल एजेंडास की बदौलत, अगर आप देखिए हमास के इस अटैक के ऊपर अगर आप ओपन कंडेमनेशन नहीं दे रहे तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत बात है। और नो डाउट वो ऐसा खैर कर भी नहीं रहे। रूट कॉजेस जो कहे गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा जो टर्म यूज की गई, रूट कॉजेस इट माइट बी रिकॉल्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट दैट देयर कैन बी नो पीस विद इंडिया अंटिल द कश्मीर क्वेश्चन इज रिजॉल्व। तो फिर कहते यही बात उनके सिनेरियो में थी जिसकी बदौलत उन्होंने जो रवैया इख्तियार कर रखा था यूपीए के टेन्योर के दौरान, वो तो फिर हम जानते ही हैं जिस कदर आपके फ्रीक्वेंट टेरर अटैक्स हो रहे थे। देखो ये वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कोई दोराई नहीं कि आज की डेट में इंडिया के हर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये एक बहुत ही सर्टेन और बहुत एक मैं कहूंगा ब्लंट ओपिनियन है कि टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, चाहे कहाँ भी हो और चाहे वो किसी भी स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, किसी भी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के ऊपर जाके जब हम उसे देखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो मोदी के रेजीम में हमें देखने को मिला। तीसरा देखिए, द पॉलिटिकल फोकस ऑन इंडियाज करंट सॉलिडैरिटी विद इजराइल मास्क द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली टाइज विद द अरब वर्ल्ड इन द लास्ट डेकेड।
So for all its rhetoric, the UPA government struggled to modernize the relationship with Arab countries, but under the NDA, the UAE, Saudi, Egypt have emerged as strategic partners. तो ऐसा नहीं है कि एनडीए के राज में हमने कोई अरब नॉर्मलाइजेशन को गवा दिया, या यूं कह लो कि अरब प्लेयर्स जो है वो इंडिया से बहुत खिलाफ चले गए हमारे इसराइल के करीब जाने के बाद. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एनडीए के राज में हमने तीन प्रिंसिपल जो वहां पे अरब प्लेयर्स हैं उनके साथ बल्कि रिलेशनशिप्स को एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके गए. और यूएई के साथ तो आप जानते हैं हमने एफटीए तक साइन किया. So if India was hobbled by its mercantilist approach to the oil-rich Gulf in the past, the Khaliji capital today promises to contribute to economic growth. And vice versa hai ji. Sirf yahi nahi ki matlab unka capital ya unka infrastructure jo hai wo hamare liye hai. Hamara bhi Indian diaspora mein kahunga ya Indian software ke hamare jo exports hain. या फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, या मैं कहूंगा इवन डिफेंस का जो सेक्टर है, वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम कैसे अरब कंट्रीज के भी काम आ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा ट्रू उनके लिए भी है. चौथा बदलाव ये है कि एनडीए गवर्नमेंट एंडेड इंडिया ट्रेडिशनल एंटी वेस्टर्न स्टांस इन द रीजन. Limiting the Anglo-American role in the Middle East was among the main objectives of Indian diplomacy in the Nehru years. उस दौरान देखा जाए तो देखिए सही भी था, हम उसमें क्लियर कट केसेस में पार्टिसिपेट ना तो करना चाहते थे, ना ही हम कोई विलिंग थे. पर PSIR में किसी ने बहुत सही कहा है कि देखिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो बदल जाते हैं मुल्कों के एज पर द टाइम. एक जमाना था कि जहां पे हम एंग्लो अमेरिकन रोल के बारे में ही सोचते थे कि बस वही हो, पर आज ऐसा नहीं है. उन्होंने लिखा है कि एज इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्वायर्ड अ मोर रेडिकल ओरिएंटेशन इन द 70s, बैशिंग द वेस्ट पास्ड ऑफ एज पॉलिसी. एंड टुडे इंडिया पार्टनर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड द यूएई इन द I2U2 ग्रुपिंग, जो कि वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से भी जाना जाता है. जैसे क्वाड है हमारा, उसी तरह वेस्ट एशिया का एक अलग से हमने बना रखी है ग्रुपिंग. दिल्ली हैज टीम्ड अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई टू बिल्ड अ कॉरिडोर बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट एंड यूरोप थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और मिडल ईस्ट का एक कॉरिडोर है. ये सब चीजें भी हम कर रहे हैं आज की डेट में. सो इंडियाज क्रिटिक ऑफ हमास टेरर puts it on the same side as the West, even as Russia, China and much of the global South offer a wishy-washy two-handed reaction to the terror attack. But as I said, and again I'll repeat, we are very crystal clear on our statement of condemning the terror in all its forms. The clarity of India's response underlines its interest-driven foreign policy, aur bahut zaruri bhi hai, aur sirf yahi nahi main kahunga, मैं बदलूंगा इस लाइन को. द क्लैरिटी ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स अंडरलाइंस इट्स सॉवरन फॉरेन पॉलिसी एज वेल. ऐसा नहीं है कि पहले सॉवरन नहीं थी, पर उस समय अलग इंटरेस्ट से प्रति हम ड्रिवन थे, आज कुछ और हैं जी. वेल इफ द रिफ्यूजल टू कंडेम द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वॉज शेप्ड बाय द नीड टू प्रोटेक्ट दिल्लीज लॉन्ग स्टैंडिंग इक्विटीज इन मॉस्को, staunch support to Tel Aviv is rooted in the centrality of the terror question in India's security calculus. देखो जी, मैं पर्सनल अगर आपको कहूं तो मैं उम्मीद ही कर रहा था कि मतलब ये बात आएगी कि वो जरूर ऐसा कहेंगे, कि बोलने वाले लोग ये भी कहेंगे कि भाई तुम इतनी सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहे हो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो जब उसी रशिया ने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया था यूक्रेन के लिए, तब कहाँ थे? क्या तब सॉवरन फॉरेन पॉलिसी नहीं थी? क्या तब इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं थी? उसका जवाब उन्होंने इसी लाइन में लिखा है कि एक तरफ अगर हम रशियन इन्वेजन को कंडेम करने से मना करते हैं इस बात की वजह से कि हमारे मॉस्को के साथ जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, दूसरी तरफ अगर हमारी इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट आती है इन द वेक ऑफ दिस टेरर क्वेश्चन, ये दिखाता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये दिखाता है कि एज पर द इंटरेस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस जो हैं वो तब्दील तो नहीं कहूंगा मैं, पर ये गवर्न जरूर होते हैं. एंड फाइनली जो उन्होंने कहा, द बिगेस्ट चेंज इन इंडियाज मिडल ईस्ट पॉलिसी अंडर मोदी रिमेन्स अंडरस्टेटेड,
और वो क्या है? इट इज द डी लिंकिंग ऑफ इंडिया रीजनल डिप्लोमेसी फ्रॉम रिलीजन। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पार्टीशन एंड पाकिस्तान क्वेस्ट फॉर मोबिलाइजिंग सपोर्ट इन द मिडल ईस्ट इन द नेम ऑफ इस्लामिक सॉलिडेरिटी सीवियरली कॉम्प्लिकेटेड इंडिया एंगेजमेंट विद द रीजन। And this was further muddied by Congress's claim for the Muslim vote at home, जब उन्होंने अरब नॉर्मलाइजेशन का रवैया इख्तियार किया। If Congress's reaction to developments in the Middle East continues to be shaped by the religious question, then many on the Hindu right too tend to view the region through the prism of faith। फिर उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ एक पार्टी या एक पॉलिटिकल फैक्शन अगर आपका डोमेस्टिक वोट्स के चक्कर में वहां पे एक तबके के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता, तो फिर हमारे यहाँ पे जो उसका अल्टरनेटिव एक एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन है वो भी तो इस चीज को इसी वे में एक्सप्लॉइट करने का देखेगा ना। आगे लिखा है, शेयर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी विद द मिडल ईस्ट ऑल्सो डोमिनेट्स द पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन पाकिस्तान। The region's recent history shows कि कैसे nationalism, ethnicity, tribalism and sectarianism continue to trump presumed Islamic solidarity. And if the pragmatic pursuit of common interest with the Arab world has produced many gains for Delhi in the last few years, or I shall say in the last few decades, then the framework of religious kinship has yielded little dividend for Pakistan. क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो और भी बना क्योंकि जब उन्होंने इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पे टेरर जैसी पॉलिसीज को बढ़ावा देना शुरू किया, खास करके अगर आप जिया उल हक डॉक्ट्राइन की बात करें जब रेडिकल इस्लामाइजेशन का दौर था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान को कोई रिलीजियस सॉलिडारिटी की सपोर्ट नहीं थी, पर ये उनका रवैया था उसी रिलीजियस सॉलिडारिटी को वायलेंट तरीके से जब उन्होंने यूज किया तो मिडल ईस्टर्न पावर्स ने भी इस बात को डिस्कार्ड कर दिया और पूरी तरह से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया रिलीजियस सॉलिडारिटी से, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को समझा कि अगर कोई इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पे इस्लामिज्म को प्रमोट करवाएगा और एक्चुअल इस्लाम की टेंडेंसीज को बहुत दूर लेके जाएगा तो वो सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। सो एज द करंट स्ट्रेटजी द करंट ट्रेजेडी propels the politics of the Middle East into a new and dangerous moment, one thing is certain here, the region demands greater Indian contribution to its stability and prosperity, and there is no doubt, I'll say, and it's 101% clear that India is gonna go there and stand with them in this hour of difficulty, and we are gonna definitely talk about the prosperity and a brilliant future. The Indian political class in turn must shed its self-referential discourse without respect for structural trends in the Middle East and build a new national consensus on engaging the region. हमें भी अपने जो self-referential जो हमने पहले खुद ही बना रखे हैं उनको shed करने की जरूरत है और एक नए national consensus की जरूरत है अगर आपको इस नए दौर के मिडल ईस्ट के साथ एंगेज करना है। तो उनका जो टाइटल है वो बिल्कुल क्लियर है, न्यू दिल्ली और नया तेल अवीव, नए लेवल पे जो इजराइल है उसके साथ हमें किस वे से डील करना है एंड हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू परफॉर्म आवर फॉरेन पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू दिस मोमेंट ऑफ आर ओवर देयर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल वी हैव और पूरी तरह से ये इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप्स को डायनेमिक तरीके से प्रेजेंट करता है और थोड़ा हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंग भी दिखाता है कि कैसे आपके वहां से चले और यहां तक आपके पहुंचे। सो आई होप की बात आपको समझ में आई है और अच्छी भी लगी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइज़।